वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कार्बन चैप्टर नंबर 4 का, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो भी टॉपिक होगा वो क्लियर करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यदि किसी चीज़ की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती हो तो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कार्बन और उसकी बहुरूपता में कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कॉम्बाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो कॉम्बाइंड स्टेट में मिनरल्स के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। तो मिनरल्स के रूप में जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के रूप में पाया जाता है। ये कार्बोनेट्स में यदि आप करेंगे तो CaCO3, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स में ये लाइम स्टोन, जिसको CaCO3, इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। बाइकार्बोनेट्स में CaCO3, इस तरह से कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोनेट्स हुआ, इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है, लाइम स्टोन। और डोलेमाइट MgCO3 इंटू CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, कैलामाइन ZnCO3, क्योंकि कार्बोनेट्स में हमेशा CO3 लगा होगा, बाइकार्बोनेट्स में क्या होगा, HCO3 हो जाएगा, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या यूजेज होता है। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूरिया के मैन्युफैक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत यूज किया जाता है। नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एसेंशियल फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो फर्टिलाइजर्स का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूरिया ये फर्टिलाइजर का काम करता है ना हमारे खेतों में फसल को उगाने में। तो ये गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो कि फर्टिलाइजर गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होते हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया में भी इसका काम किया जाता है, इसका उपयोग में लाया जाता है। तो मैन्युफैक्चर यूरिया में NH3 पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद से CO2 के साथ इसका रिएक्ट कराएंगे। इसका टेम्परेचर निर्धारित रहता है 200 डिग्री टेम्परेचर पर, और एटमोस्फेरिक प्रेशर भी होता है 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर। ये हमें देगा यूरिया CONH2 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, ये हमें यूरिया देता है। इन अ मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस आगे आप पढ़ेंगे। तो सॉल्वे प्रोसेस में वॉशिंग सोडा का भी मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। और हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जानते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो सॉफ्ट ड्रिंक के ढक्कन को खोलने पर आपको बुलबुले के रूप में या झाग के रूप में जो चीज वापस आता है वो किसके कारण होता है, उसको काफी एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ही उसमें डाला जाता है, जिससे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, जैसे सोडा वाटर हुआ, लेमोनेड हुआ, इन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसको बुझाने यानी आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी ड्राई आइस के बारे में सुना है आपने, ड्राई आइस के प्रिपरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। व्हाट इज ड्राई आइस का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज अंडर ए प्रेशर ऑफ अबाउट 70 एटमोस्फेरिक एट ए नॉर्मल टेम्परेचर और 70 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ये लिक्विफाइज होना शुरू कर देता है। ऑन सडन रिलीज ऑफ प्रेशर यदि ज्यादा देंगे तो क्या होगा, लिक्विड सडनली स्टार्ट टू एवोपोरेट, लिक्विड क्या करेगा, वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा और क्या बन जाएगा, टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड आइस, ये सॉलिड आइस के रूप में बदल जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ये देखने में व्हाइट आइस की तरह ही दिखाई देता है, पर इसके अंदर कोई वाटर नहीं होता है, ठीक है, कोई वाटर नहीं होता है, बट इट डज नॉट कंटेन वाटर। सच सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ जिसको कहा जाता है। इसमें वाटर नहीं होता है लेकिन ये वाटर की तरह दिखने में होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पहले मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दो तरह से बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को दो तरीके से भी बना सकते हैं। तो यदि हम कार्बोनेट्स को CaCO3 प्लस यदि HCl डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस CO2 हमें मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा ये कार्बोनेट्स के साथ हुआ। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट्स के साथ भी हम रिएक्ट कराएंगे Na2CO3,
इसके साथ भी यदि हम H2SO4 का कराते हैं तो हमें मिलेगा Na2SO4 प्लस CO2 गैस के रूप में प्लस H2O। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में कराएंगे तो CaHCO3 ट्वाइस, इसमें हम यदि HCl डालेंगे तो हमें मिलेगा CaCl2 जो कि क्या है, सॉल्ट है। उसके बाद हमें मिलेगा CO2 जो कि गैस है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वाटर। ठीक है, NH उसी तरह से बाइकार्बोनेट्स के साथ ही कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स साथ मिला करेंगे तो हमें CO2 गैस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, यदि आप इस तरह से HCl के साथ हीट करा रहे हैं तो आपको CO2 मिल रहा है। बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को यदि हीट कराएंगे तब भी हमें CO2 गैस की प्राप्ति होगी। तो जैसे कि देखिए CaCO3 है, इसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा काली चूना और प्लस CO2। ठीक है, उसी तरह से यदि आप PbCO3 लेड कार्बोनेट्स है उसको भी आप एक सर्टेन टेम्परेचर देते हैं तो उसमें हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी एक टेम्परेचर देंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट्स मिलेगा और CO2 और वाटर मिलेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स के साथ करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इस तरह से एक टेम्परेचर देने के बाद भी CO2 गैस का प्रिपरेशन किया जा सकता है। और कैसे प्रिपरेशन होगा, बाय बर्निंग चारकोल, कोक चारकोल इन एयर। कोक चारकोल को यदि ऑक्सीजन, कोक या चारकोल हुआ, इन सबको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो हमें CO2 गैस मिलेगा। इस तरह से ये गैस हमें किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। अब हमारे पास एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, एक थिसिल फनेल है, एक इस तरह से जार जो बना हुआ है। ऑपरेटर्स इसमें क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब होगा, गैस जार होगा, और इसके साथ ये जैसे बना हुआ है इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल रिक्वायर्ड क्या क्या हो सकता है, पीसेस ऑफ मार्बल, मार्बल यानी कि लाइम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जिसको मार्बल भी कहा जाता है, कैल्शियम CaCO3, और उसमें हम क्या लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl। ठीक है, और ऑपरेटर्स जैसे मैं भी दिखाया मैंने आप लोगों को कि वुल फोटल होता है, थिसिल फनेल होता है, डिलीवरी ट्यूब और गैस जार होता है। तो इसको जैसे आपके बुक में है डायग्राम, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो प्रिपरेशन यही है, प्रिंसिपल यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेबोरेटरी में बनाया जाता है विद द एक्शन ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन ए मार्बल पीस। मार्बल पीस के ऊपर कोल्ड और डाइल्यूट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगा। इसमें क्या है कि अभी हम जैसे कि ऑपरेटर्स है तो ऑपरेटर्स में क्या किया जाएगा, रुकिए मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ। तो कुछ डायग्राम कुछ इसी तरह से है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कराने के लिए क्या, पहले स्मॉल पीसेस ऑफ मार्बल को लेंगे गैस जार में, वुल्फ बोतल में लेते हैं जो फिटेड होता है थिसल फनेल से। ठीक है, एट ए डिलीवरी ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से फिटेड होता है। उसके बाद क्या करेंगे, अदर हैंड में डिलीवरी ट्यूब रीचेस ऑलमोस्ट बॉटम, बॉटम एकदम टच होना चाहिए, ठीक है, जैसे बनाया गया है। और उसके बाद मार्बल पीसेस आर कवर्ड विद वाटर, वाटर के साथ इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे जो कि यहाँ पर किया गया है। अब मार्बल पीसेस को कवर करने के बाद इसमें इसकी सहायता से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है, विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोर्ड इनटू वुल्फ बोतल, वुल्फ बोतल की सहायता से हम यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे धीरे धीरे। जैसे ही एसिड इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से गैस जाकर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कलेक्शन इसका यही है, इसको कैसे इकट्ठा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, एयर से 1.5 टाइम्स हैवियर होता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के द्वारा हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, सो इसीलिए इसको हम सो इट कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है
वाटर में, इसीलिए इसको पानी से हम इकट्ठा नहीं करेंगे, इसको हम एयर से ही इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये एयर से 1.5 गुना ज्यादा भारी होता है। ठीक है, इसको हम यदि ये करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, आपसे यदि पूछा जाए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों यूज किया जाता है, और भी तो एसिड यूज कर सकते थे, ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज इन द मेथड ऑफ, इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इट रिएक्ट्स विद मार्बल टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मिंग ए लेयर ऑन द मार्बल पीसेस। उसके बाद क्या करेगा, मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो ये क्या करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इनसॉल्युबल वाटर में होने के बाद ये मार्बल पीसेस के ऊपर एक लेयर बना देगा जिससे कि रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी जान गए आप लोग कि ये सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट से नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस, कैट विद स्लाइटली सोर, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, कलरलेस भी होता है और ऑडरलेस भी होता है, ये 1.5 गुना ज्यादा भारी भी होता है एयर से। ठीक है, इट इज ए नॉन पॉइजनस, ये क्या है, ये नॉन पॉइजनस होता है। हम क्या जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होता है, नहीं ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन बट इट डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये हमारे श्वसन की क्रिया में सहायता नहीं करता है। एनिमल्स डाई इन सफोकेशन, यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, सफोकेशन मतलब दम घुटेगा। ठीक है, इन एक्सेसिव CO2 गैस इज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें सफोकेशन होगा यानी कि दम घुटेगा, और इससे क्या होगा, हम मर भी सकते हैं। ठीक है, इट इज अ फेयरली सॉल्वल इन वाटर, ये आराम से सॉल्वल होता है वाटर में, और ये इसकी सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, यदि हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो ये और तेजी से वाटर में घुलता जाएगा। द सोल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि ये, चूंकि मैंने क्या बताया कि ये थोड़ा खट्टा होता है, तो जाहिर सी बात है खट्टा तो इसी वजह से आता है ना, एसिड की वजह से, तो जो सोल्यूशन इज एसिडिक टू लिटमस, लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, लिटमस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये तो अभी हमने देखा ना ड्राई आइस में कि इसको यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, तो ये लिक्विफाइड में कन्वर्ट है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम जैसे कि इट इज नाइदर कम्बस्टिबल और नॉट सपोर्टर इन कम्बस्टन, कहने का मतलब यही है कि ना ये जलता है ना ही ज्वलन में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बर्निंग वुड चिप ले जाते हैं जो कि गैस जार फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस जार कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ कोई एक चीज है, उसमें यदि हमको जलता हुआ चीज ले जाएंगे तो क्या होगा, ये बुझ जाता है और गैस भी अपने से नहीं जलती है, तो इसका मतलब यही है ना कि गैस न जलने में सहायता है ना किसी ज्वलनशील है। ठीक है, कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स किसको कहते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये सब क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं ये, इनके साथ इनके प्रेजेंस में ये जलते हैं, जो कि ये इनके साथ रिएक्ट कराया जाए, जैसे सोडियम का हम रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ तो हमें मिलेगा Na2CO3, ठीक है, प्लस कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। यदि पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें, सॉरी, तो हमें मिलेगा इनका K2CO3 प्लस कार्बन। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ भी वही MgO प्लस कार्बन। एसिडिक प्रॉपर्टी होता है इसका जैसे कि अभी बताया आपको, और ये एसिड वाटर के साथ सॉल्युबल, वाटर के साथ मिलके हमें ये वीक एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी वीक एसिड हमें देता है, जिसको हम लोग H2CO3 के नाम से जाना जाता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये सब रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए आपको याद होता जाएगा, ना कि आपको लेके बैठे रहेंगे कि याद है बहुत सारे रिएक्शंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री क्या है कि याद करने की चीज नहीं होती है, बस समझने की, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही मजा आते जाएगा, तो इंटरेस्ट लीजिए और मजे कीजिए। और उसके बाद आता है कि बेसिस और अल्कली के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो
तो देखिए जैसे कि बेसिस है NOH है, NaOH, ये क्या है, सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कराएंगे तो हमें कार्बोनेट्स देगा Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, ये देगा सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या करेंगे, यदि हम सोडियम कार्बोनेट के साथ फिर से हम CO2 मिलाएंगे Na2CO3 प्लस CO2, तो हमें ये देगा बाइकार्बोनेट, ठीक है, सॉरी, यदि यही रिएक्शन फिर से हम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यही रिएक्शन फिर से है यदि होता है तो हमें मिलेगा बाइकार्बोनेट्स टू NaHCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स देगा। इसी रिएक्शन में हम एक्सेसिव CO2 देंगे तो हमें ये बाइकार्बोनेट्स की प्राप्ति होगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टीज भी आता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यदि मैग्नीशियम वायर को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जलाएंगे तो एक डिजलिंग लाइट के साथ जलेगा और एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन यही होगा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मुक्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन क्या कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, ठीक है, और यहाँ पर अपने आप को रिड्यूस कर दिया कार्बन में, ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन की भी क्रिया हुई, ठीक है। यदि किसी रिएक्शन से आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की क्रियाएं कैसे हो रही है, तो आप इस रिएक्शन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, यही है। यहाँ पर यदि ऑक्सीडेशन कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जिस मेटल के साथ इसने जो रिएक्ट करा रहा है तो ये क्या ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो जा रहा है और खुद ये रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, कार्बन में, ठीक है। इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें इससे क्या प्रूफ हो सकता है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है और कार्बन अलाउज कंबस्टन अंडर फोर्सिंग कंडीशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टन अलाउज कंबस्टन, ये क्या करता है, कंबस्टन का भी काम करता है फोर्सिंग कंडीशन में। और यदि इस रिएक्शन से हम यदि करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जा होता है। यदि मान लीजिए एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि हम कार्बन का रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा CO, ठीक है। फिर यदि Fe हो और CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा FeO प्लस CO, ठीक है। उस तरह से जिंक के साथ कराएंगे तो ZnO प्लस CO, यानी कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रीन हाउस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो देखते हैं। गर्म रखना, पृथ्वी की सतह गर्म रखने के कारण ही यहाँ का टेम्परेचर काफी कम नहीं जाता है, ठीक है, और उससे यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। यदि यही एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, यानी कि इनकी मात्रा, यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर वेपर हुआ, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करना। यदि इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमालय के ऊपर या बहुत सारे जो हमारे हैं माउंटेन्स वगैरह हैं, उन पर जो ग्लेशियर जमा हुआ है, ग्लेशियर की बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा और पूरा पृथ्वी सबमर्ज हो जाएगा, किसमें, पानी में। सी लेवल का बढ़ना, यदि पानी यानी बर्फ पिघलता है तो सी लेवल जरूर, जाहिर सी बात है, बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो उस वक्त बहुत सारा हिस्सा क्या है, पानी ही पानी है, और जो छोटे छोटे महाद्वीप हैं वो क्या होंगे, वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इनसे बचाने के लिए हम सभी आजकल क्या कर रहे हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस का, हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कम मात्रा में प्राप्त हो। ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से मिल रही हैं हमें, सबसे पहले क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल को हम लोग जलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसेस मिलेंगे, मीथेन मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलेंगी। उसी तरह से ऐसी मात्राएं हैं, ऐसी जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे आधुनिक जो उपकरण हैं उनके कारण ही हमारा ग्रीन हाउस बढ़ते जा रहा है। पेड़ पौधों की कटाई है, बहुत तरह से वन्य जीवन है वो हमारे अपने खुद सुख सुविधाओं कारण क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे हम कम लगा रहे हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यानी जो दो बैलेंसिंग है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया अभी, द ग्रीन हाउस गैस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास वॉल्स
और ग्लास रूफ, ये ग्लास वॉल्स और ग्लास रूफ का बना हुआ होता है जो कि क्या करता है, विच अलाउज द सन सन्स हीट टू गो इन फ्रीली। ये क्या करता है कि सबसे पहले तो ये ग्लास को गर्म करता है, उसके बाद गर्म होने के कारण फिर ये ग्लास के भीतर जाता है। वहां पर जाने के बाद ये हीट वहां से चला तो जाता है पर वहां से वापस नहीं हो पाता है, वापस नहीं जा पाता है। दैट इज इट्स इट ट्रैप्स द सन्स हीट इनसाइड एंड कीप्स द प्लांट्स इनसाइड इट वार्म। तो जो उस ग्रीन हाउस में जो बहुत सारे प्लांट्स रखे गए हैं उनको गर्मी मिलती है और इसके कारण उनका ग्रोथ होता है, क्योंकि वो जाते तो हैं रेज लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, वो टकरा के बाहर नहीं जा पाते हैं, तो वो भीतर में रहता है और उसको गर्म करता है, जिसके कारण वो इवन विंटर में भी गर्मी की अनुभूति होती है और पेड़ पौधे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और मेन ग्रीन हाउस गैसेस वो क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट की तरह, और जैसे कि अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है, माना ये अर्थ है जिसके चारों तरफ क्या है कि ग्रीन हाउस का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। यहाँ से सन की रोशनी आती है, मान लीजिए ये सन है, ये सन है, तो इसकी जो रोशनी आ रही है पृथ्वी पर, ये आने के बाद ये क्या होती है कि इसका जो 30% हिस्सा है वो तो फिर रिटर्न हो जाता है, बाकी कुछ हिस्सा क्या है, पृथ्वी इसको नहीं छोड़ पाती है, और ये चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करता है जिससे क्या होता है कि पृथ्वी गर्म रहती है। यदि पृथ्वी यदि पूरे अपना हीट सूर्य से जितनी ऊष्माएं हैं ये इसको मिल रहा है उतना रिलीज कर देती तो यहाँ वन्य जीवन या फिर हम सबका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, ऐसा नहीं होता है। ये गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं ये पृथ्वी, ये जो रेज है उसको जाने नहीं देती, इसको यहाँ पर बना के बरकरार रखती है जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। यदि इस तरह से नहीं होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री होता या उससे भी कम होता, जो कि हम सब इसमें नहीं रह पाते, हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। तो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए ये गैसेस काम करती है, ठीक है, इसी को ही एटमोस्फेरिक, दीज गैसेस इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस को ही ग्लोबल वार्मिंग, इनके बढ़ने के कारण एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी आजकल आपने सुना होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग, वही चीज है, इनकी मात्राएं ज्यादा बढ़ेंगी तो पृथ्वी की सतह गर्म होगी, गर्म होगी तो जिससे कि ग्लेशियर पिघलेंगे, इससे वेदर में बहुत तेजी से चेंजेज आएगा, ठीक है, और हमारा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वो पृथ्वी का बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसको बैलेंस करके रखना है, ठीक है, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कार्बन कंटेनिंग पॉलीमर्स और उनके उपयोग। व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर जिसको बहुलक भी कहा जाता है हिंदी में, और पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज और जाइंट मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या है, एक बहुत ही बहुत ज्यादा विशाल और जाइंट मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्म्ड होता है बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के मिलने के बाद, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मतलब बनता है। इसी टर्म को ही ग्रीक भाषा में पॉली मीन्स मेनी और मेरोस मीन्स पार्ट्स, इसका नाम दिया गया पॉलीमर्स, ठीक है। आजकल के दिनों में पॉलीमर्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स आर नोन एज मोनोमर्स, मोनोमर्स के भी नाम से भी जाना जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की क्रिया किसको कहा जाता है, बहुलक की क्रिया किसको कहा जाता है, कि सिंगल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर को ही पॉलीमराइजेशन की क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीथीन आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इथिलीन और इथेन। इथेन और इथिलीन से बना हुआ जो पॉलीथीन है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा सा चेन तैयार करते हैं। हेंस पॉलीथीन इज क्या है, पॉलीमर है, और इथेन क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास है पॉलीमर्स आर टू काइंड्स, आर ऑफ टू काइंड्स, एक नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स में क्या आएंगे, सेलुलोज आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, जो कि हमारा शरीर भी एक पॉलीमर्स का ही बना हुआ है, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है, तो हमारे शरीर में नेचुरल पॉलीमर्स हुए हैं। एक है सिंथेटिक और मैन मेड पॉलीमर्स, इसमें एग्जाम्पल आता है पॉलीथीन हुआ, प्लास्टिक्स हुआ, रिफिल हुआ, और बॉल पेंस हुआ, नाइलॉन, टेफ्लॉन,
थर्मोकॉल हुआ या फिर टेरेलिन हुआ, पीवीसी हुआ, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये नेचुरली डिकम्पोज होते हैं। नेचुरली डिकम्पोज कब होते हैं, यदि इनका हम लोग नेचुरली यूज करेंगे तो माइक्रो जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या करेगा, इसको सिंथेटिक, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके वो मिट्टी में मिला देता है, या फिर फंगी जैसा बैक्टीरिया, ये सब फंगी फंगल या फिर। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे कि वो फंगल या बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दिन प्रतिदिन की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अभी हमारा बहुत सारा यूज कहा जा रहा है ना कि प्लास्टिक का यूज कम करो। क्यों कम करो, इनकी ये तो अपघटित नहीं होते हैं, मिट्टी में जाने के बाद ये फूलते जाते हैं और ये अपघटित नहीं होने के कारण मिट्टी को पॉल्यूट करते जाते हैं। तो हमारे पास जो है नेम ऑफ पॉलीमर्स में आएंगे पॉलीथीन है। पॉलीथीन का प्रॉपर्टीज क्या है, पार्शली सॉलिड होता है, पार्शली फ्लेक्सिबल होता है और वाइटिश होता है देखने में। इसका प्रिपेयर बकेट्स, कप, डिस्क, वाटर पॉट ये सब बनाने में किया जा रहा है। टेफ्लॉन वेरी टफ मटेरियल होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के रूप में भी यूज किया जा रहा है, या नॉन लुब्रिकेट बियरिंग्स बनाने में भी किया जा रहा है। पीवीसी का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का। ये हार्ड हॉर्नी मटेरियल होता है और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चर रेन कॉस्ट वगैरह या फिर कर्टेन क्लॉथेज होता है, गम बूट होता है, ये सब बनाने में किया जाता है। थर्मोकॉल क्या है, सॉलिड बट नॉट हार्ड। और इसको वाटर और ऑयल रेजिस्टेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन मेकिंग फूड डिश के रूप में भी इस्तेमाल, प्लेट, बॉयल, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है ना थर्मोकॉल का। तो इनके कारण ज़्यादा यदि पॉलिथीन और पॉलीमर्स की संख्या हमारे धरती पे फैलेगी तो जिसके कारण क्या होगा, ये तो अपघटित नहीं होंगे अच्छे से और ये कॉजेज पॉल्यूशन, चूंकि सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, यदि हम इसको बर्न करेंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, मिट्टी में दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं क्योंकि ये अपघटित नहीं हो पाते हैं माइक्रोबैक्टीरियन से और फंगल से, तो ये मिट्टी को भी पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप सो कि आप लोग अच्छे से समझ में आया भी है, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।